अब हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज हैं उसे हम प्रूफ करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 7.5 करेंगे। तो हमें ये 3 आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है। फॉर एनी रियल नंबर थीटा, cos square theta plus sin square theta is equal to 1, 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta, and 1 plus cotangent square theta is equal to cosecant square theta. हम इसे equation क्यों नहीं कह रहे हैं? यहाँ पे देखें, equality का sign है, हम इसे identity कह रहे हैं। Identity और equation में क्या फ़र्क है? देखिए, ये हमारे पास एक equation है, 2x plus 1 is equal to 0, ये लीनियर इक्वेशन है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट में x की सिर्फ एक वैल्यू है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसका पावर 2 है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में x की 2 वैल्यूज आएंगी। अगर हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की 3 वैल्यूज आएंगी, x1, x2, x3। और क्वाड्रेटिक में x की 2 वैल्यूज आएंगी, x1 एंड x2। इसका सोल्यूशन सेट में x की 1 वैल्यू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन में x की 2 वैल्यूज होंगी और क्यूबिक इक्वेशन में x की 3 वैल्यूज होंगी। यानी ये x की एक वैल्यू के लिए ट्रू है, ये 2 वैल्यूज के लिए ट्रू है, और ये 3 वैल्यूज के लिए ट्रू है। लेकिन आइडेंटिटी थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ट्रू है। आप यहाँ पे इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे थीटा, यानी कोई भी एंगल पुट कर लें, कोई भी रियल नंबर पुट कर लें, थीटा की जगह उससे 1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे थीटा की कोई वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें, और राइट हैंड साइड पे भी वही थीटा की वैल्यू पुट करें और उसको सॉल्व करें, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इस थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। वो इक्वेशन जो बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो, तो फिर हम उसे इक्वेशन नहीं कहते बल्कि आइडेंटिटी कहते हैं। अब हमने इन 3 आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एंगल C 90 डिग्री का है, तो इसको हमने लिखा है कि कंसिडर अ राइट ट्रायंगल ABC इन विच मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB, यानी ये वाला एंगल 90 है, और ये एंगल BAC इस एंगल को कहेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC इज थीटा। थीटा कोई भी एंगल है। फिर कुछ साइड्स हैं, सी एंगल के सामने वाला साइड जो AB है, उसको हमने स्मॉल सी से शो किया है। देखें, AB इज इक्वल टू सी। एंगल बी के सामने वाला साइड जो AC है, उसको स्मॉल बी से शो किया है। देखें, AC इज इक्वल टू बी। और एंगल ए के सामने जो साइड BC है, उसको हमने स्मॉल ए से शो किया है। तो ये तमाम हमारी अरेंजमेंट है। अब हमें कुछ रेशो फाइंड है कि वी हैव साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में 90 के सामने जो साइड है, ये असल में हाइपोटेन्यूज है, और इस थीटा के सामने जो साइड है, ये परपेंडिकुलर है, और थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड है, ये फेस है। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखें, ए है, बाय हाइपोटेन्यूज सी है। ये आपके इक्वेशन 1 हो गई। कॉस थीटा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बी है और हाइपोटेन्यूज सी है। ये इक्वेशन 2। फिर है टेंजेंट थीटा।
टेंजेंट थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस, यदि ए बाय बी। ये हमारे पास थ्री इक्वेशंस आ गई। थ्री इसके रिसिप्रोकल्स हैं, यानी साइन थीटा ए बाय सी के इक्वल है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, और साइन का रिसिप्रोकल है कोसीकेंट। कोसीकेंट थीटा ये इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे साइन थीटा ए बाय सी है और ये होगा सी बाय ए। ये इक्वेशन फोर। कॉस का रिसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा कॉस का रिसिप्रोकल है, कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सीकेंट होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज है सी और बेस है बी। ये इक्वेशन फाइव। टेंजेंट है परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका रिसिप्रोकल है कोटेंजेंट, सी ओ टी ओ थीटा। कोटेंजेंट थीटा है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बी है और परपेंडिकुलर ए है, टेंजेंट ए बाय बी है और कोटेंजेंट बी बाय ए है। ये इक्वेशन सिक्स। अब हमें जब ये तमाम चीज़ें फाइंड हो गई, अब हमने पहला आइडेंटिटी प्रूफ करनी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये प्रूफ करना है। प्रूफ बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन नंबर सेवन कह लेंगे। अब हमने इस इक्वेशन सेवन को पहले सी स्क्वायर पे डिवाइड करना है। डिवाइड इक्वेशन सेवन बाय सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, बी बाय सी और होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए बाय सी और होल स्क्वायर, वन इज इक्वल टू। अब देखें बी बाय सी, बी बाई सी हमारे पास कास के इक्वल है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे कास थीटा ऊपर इसके स्क्वायर प्लस ए बाई सी, ए बाई सी हमारे पास साइन थीटा है, तो यहाँ पे साइन थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है, वन इज इक्वल टू। अब हम स्क्वायर को ब्रैकेट हटा के लिखेंगे, याद रखें कि ये स्क्वायर जब ब्रैकेट हटेगा तो सिर्फ कास के ऊपर आएगा, थीटा पे नहीं आएगा, यह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप सीधा करके लिख लें, यानी इस साइड को राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और वन को उस साइड पे लिख लें वन, तो देखें ये हमारा प्रूफ है। अब सेकेंड पार्ट में हमें वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेकेंड स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। वही फार्मूला है कि बाय पैथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन अब इस इक्वेशन सेवन को हम बी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय बी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर को भी बी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, इस बी स्क्वायर को भी बी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे और इस ए स्क्वायर को भी बी स्क्वायर पर डिवाइड करें, तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कैंसिल, यहाँ पे सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है, इसको मैं लिख लूँगा सी बाय बी और होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल, वन प्लस
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं इस तरह लिख लूँगा, ए बाई बी होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सी बाई बी, देखें सी बाई बी सी कैन थीटा के इक्वल है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी बाय बी, पुटिंग वैल्यूज ऑफ सी बाय बी एंड ए बाय बी, तो सी बाय बी इज secant थीटा, इसकी जगह हम secant थीटा ऊपर इसके स्क्वायर है, इज इक्वल टू वन प्लस ए बाय बी, ए बाय बी tangent थीटा है, तो यहाँ पे tangent थीटा लिख लें और इसके ऊपर स्क्वायर है। अब हम इस पैरेंथेसिस को हटाएंगे तो स्क्वायर secant के ऊपर आएगा, थीटा पे नहीं आएगा, secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। या अगले स्टेप में आप राइट साइड को लेफ्ट लिख लें और लेफ्ट साइड को राइट, यानी लास्ट में आप लिखेंगे वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सिर्फ साइड्स चेंज कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपके पास सेकेंड प्रूफ है। पार्ट थ्री में हमें प्रूफ करना है कि वन प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, फिर वही बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसी इक्वेशन को डिवाइड बाय ए स्क्वायर, पहले सी स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर बी स्क्वायर से, और अब ए स्क्वायर से, तो सी स्क्वायर को भी ए स्क्वायर से डिवाइड करें, बी स्क्वायर को भी ए स्क्वायर से डिवाइड करें, और ए स्क्वायर को भी ए स्क्वायर से डिवाइड करें, तो ये ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सी बाय ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बी बाय ए होल स्क्वायर प्लस, और ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये वन। अब सी बाय ए पुटिंग वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ सी बाय ए एंड बी बाय ए, तो सी बाय ए को आप देखें सी बाय ए इसको सीकेंट थीटा, तो आप यहाँ पे लिख लोगे कोसेकेंट थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाय ए, बी बाय ए को टेंजेंट थीटा है, तो आप इसकी जगह को टेंजेंट थीटा लिख लें और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस वन। अब ये स्क्वायर हम इसके ऊपर लाएंगे, स्क्वायर ये पैरेंथेसिस हटा दें तो एंगल पे स्क्वायर नहीं आता, यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस वन, या लेफ्ट को राइट की तरफ लिख लें और इस राइट को लेफ्ट की तरफ कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारा इस थर्ड आइडेंटिटी का प्रूफ है। अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो आइडेंटिटीज हम और प्रूफ करते हैं। देखें टेंजेंट थीटा, अगर आप देखें टेंजेंट थीटा तो ये किसके इक्वल है, ए बाय बी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अगर इस ए को भी मैं सी पे डिवाइड कर दूं और इस बी को भी सी पे डिवाइड कर दूं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सी आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ प्रूफ करना है इसलिए मैं इसमें ये डिवाइड करता हूं, इसमें ये इसी तरह है जिस तरह मैंने इसके साथ वन मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ए बाई सी को अगर आप देखें तो ए बाई सी ये साइन थीटा है और बी बाई सी ये कॉस थीटा है, तो इससे मुझे एक और आइडेंटिटी का पता लगता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये बात आपने एक याद रखनी है, इसको आगे हम यूज करेंगे कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी तरह ज़रा कोटेंजेंट थीटा की तरफ आ जाए,
वो है बी बाय ए। तो कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, मैं अब इस बी को भी सी पे डिवाइड करता हूँ और इस ए को भी सी पे डिवाइड करता हूँ, तो बी बाय सी, बी बाय सी देखें कॉस थीटा के इक्वल है और ए बाय सी साइन थीटा के इक्वल है। तो एक और आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली है कि कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और ये तीन आइडेंटिटीज आपने याद रखनी है, ये तीन आइडेंटिटीज और ये दो, इसकी मदद से हम अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 16 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ap। इस फार्मूला की मदद से हम ये सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर यानी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2ae एंड बी, ए की वैल्यू साइन थीटा है और बी की वैल्यू कॉस थीटा। अब हम स्क्वायर को यहाँ पे लेकर आएंगे, यानी हम इससे पैरेंथेसिस हटाते हैं तो स्क्वायर साइन के ऊपर आएगा, थीटा पे नहीं आएगा। तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी हमने जो आइडेंटिटी प्रूफ की है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कॉस को पहले लिखें या साइन को, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल है और साथ लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और देखें ये राइट हैंड साइड, देयरफॉर इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ कर लिया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एग्जाम्पल 17 में हमने प्रूफ करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 - cos² θ। वी हैव, अभी हमने ये फार्मूला प्रूफ किया है कि cos² θ प्लस sin² θ इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वेयर थीटा को उस साइड पे लेकर जाएंगे तो -cos² θ। क्योंकि हमें साइन फाइंड करना है, इसके ऊपर स्क्वेयर है तो टेकिंग स्क्वेयर रूट। तो साइन थीटा स्क्वेयर, इसका भी स्क्वेयर रूट ले लेंगे और 1 - cos² θ, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² θ अंडर द रूट। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हमारे पास एग्जांपल 18 है कि अंडर द रूट 1 - sin² θ बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे कि 1 - sin² θ अंडर द रूट
by sine theta. As we know, अभी हमने प्रूफ किया है कि cos square theta plus sine square theta is equal to 1 है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी है. तो cos square theta किसके इक्वल होगा, 1, और sine square theta उस साइड पे चला जाएगा तो माइनस sine square theta हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस sine square theta की जगह मैं cos square theta लिख सकता हूँ. तो लेफ्ट हैंड साइड ये जो 1 माइनस sine स्क्वेयर थीटा अंडर द रूट बाय साइन थीटा है इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की जगह मैं लिख लूँगा कॉस स्क्वेयर थीटा, और इसके ऊपर अंडर द रूट है डिवाइडेड बाय साइन थीटा. स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसल, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और cos थीटा बाय साइन थीटा जो मैंने आपको प्रूफ करके दिया था कि वो किसके इक्वल है, कोटेंजेंट थीटा के. तो cos थीटा बाय साइन थीटा की जगह आप कोटेंजेंट थीटा लिख लोगे, ये राइट हैंड साइड है. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अंडर द रूट बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा. एग्जाम्पल 19 में प्रूफ करना है सीकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा. हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, सीकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा. अब यहाँ पे बात याद रखें कि सीकेंट और कास एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. पहले जब मैंने आपको वो इक्वेशंस लिख के दी थी 6 इक्वेशन, उसमें कास थीटा जो था, कास थीटा वो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सीकेंट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है. यानी कास थीटा ए बाय सी है और सीकेंट थीटा सी बाय ए है. तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के उलट है, रिसिप्रोकल है. तो इस बात को आपने याद रखना है. इस वजह से मैं सीकेंट को लिख सकता हूँ 1 बाय कास, और क्योंकि सीकेंट के ऊपर भी स्क्वायर है तो कास के ऊपर भी आएगा. तो सीकेंट का रिसिप्रोकल क्या है, 1 बाय कास है, और सीकेंट स्क्वायर का रिसिप्रोकल होगा 1 बाय कास स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. देखें टेंजेंट थीटा हमने प्रूफ किया है कि वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल है. तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा. जब टेंजेंट के ऊपर स्क्वायर है तो फिर साइन और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर आएगा. अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम यही आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा. अब फिर हमें मालूम है कि एज वी नो ये जो आइडेंटिटी है कि कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा ये 1 के इक्वल है, तो कॉस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होगा, 1, और साइन उस साइड पे ले जाए तो माइनस साइन स्क्वेयर थीटा. ये प्लस साइन स्क्वेयर थीटा राइट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा. अब हम दोबारा ये लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बाय कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, और कॉस स्क्वेयर थीटा देखें वो इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और ये हमारा राइट हैंड साइड. Therefore, left hand side is equal to right hand side. या secant square theta plus tangent square theta is equal to 1 plus sin square theta by 1 minus sin square theta. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखने के बाद आपने ये क्वेश्चन दोबारा ज़रूर लिखना है
ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स से और कुछ आइडेंटिटीज को हमने प्रूव किया है। इसके बाद जो लेक्चर है उसमें एक्सरसाइज 7.5 के जितने भी प्रूफ हैं वो हम करें।